हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम जो 18 मई को होने वाला है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स में से पोर्शंस को हटाया गया है वन बाय वन। फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो अब एनसीईआरटी बुक में आएंगे कि उसमें एक हेडिंग है 1.10 पेज नंबर 26 में। यहाँ से जितना भी इसके नीचे का पोर्शंस है वो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जैसे उसके नीचे हेडिंग्स है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मेटल्स, सेमी कंडक्टर्स, फिर उसके बाद बैंड्स के बारे में है, एनपी सेमी कंडक्टर्स के बारे में है, और लास्ट इसमें एक हेडिंग है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये सारा क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। इससे रिगार्डिंग्स कुछ क्वेश्चंस भी हैं इंडेक्स के, तो आपको वो क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ने हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं 1.22 का क्वेश्चन है, 1.23 है। फिर हम चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट टेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। उसमें मैंने कुछ आपके लिए मार्क कर रखे हैं, क्योंकि आप समय कम है तो आपको लिमिटेड पढ़ना है, और वो क्वेश्चन को तो नहीं पढ़ना है जो नहीं आ रहा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसमें 17th क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर्स के बारे में, या आप ये देख सकते हैं 18th वाला। फिर उसके बाद 20 है जिसमें सिलिकॉन डोप्ड विद बोरोन है, और लास्ट पेज इसी एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पे आएंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 22 है और एक 26 क्वेश्चन है। तो इसी के साथ सॉलिड स्टेट में ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। उसमें से दो ही टॉपिक्स को हटाया गया है, एक अबनॉर्मल मोलर मासेस और दूसरा है वेंट ऑफ फैक्टर। तो अबनॉर्मल मोलर मास एक हेडिंग होगी 2.7 पेज नंबर 57 में सॉल्यूशन चैप्टर के। यहाँ से आपको ये चीजें को आपको नहीं पढ़ना है। इसी के नीचे हेडिंग्स आप देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो वेंट ऑफ फैक्टर वाले हैं, इसी का ये जो क्वेश्चन होगा ये भी आपको नहीं करना है। ये एग्जाम्पल 2.2, इसके जो दो एग्जाम्पल्स हैं 2.12 2.13। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें से आपके लिए देखे हैं जो आप इससे रिगार्डिंग है। जैसे एक 2.33 है, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन के बारे में करना है, तो ये क्वेश्चंस तो आपको नहीं करना है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन और था 2.46, तो इसमें भी इन्होंने आई दे रखा है, वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है, तो मतलब ये क्वेश्चन इन दो टॉपिक से मिलता जुलता है। तो बेसिकली सॉल्यूशंस में से दो टॉपिक्स थी एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वेंट ऑफ फैक्टर, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पहले नीचे सबसे देखिए गैल्वेनिक सेल। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो पेज नंबर 67 में एक हेडिंग है गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल के पोर्शंस को आपको नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ आप देख पा रहे हैं फ्यूल सेल्स को, लॉ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में से कौन सा पोर्शन हटाया गया है, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से आपको वो चीज को नहीं पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो जो दो लॉ है फराडेस के, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, उसको आपको नहीं देखना है। और उसी के बाद एक लास्ट टॉपिक है बैटरीज वाला। ये दो लॉस है जिनकी मैं बात कर रहा था फराडेस लॉ के पेज नंबर 85 में, तो ये दो लॉस को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये यहाँ से जो बैटरी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 3.6 हेडिंग है पेज नंबर 88 में एनसीईआरटी की, तो यहाँ पे बैटरीज में पहले जैसे लिखा है यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा है फ्यूल सेल्स, तो फ्यूल सेल प्राइमरी बैटरीज के अंदर आते हैं, तो ये बैटरीज के बाद का पोर्शन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आप ये देख सकते हैं लेड एक्यूमुलेटर लिखा है, लेड एक्यूमुलेटर आता है सेकेंडरी बैटरीज के अंदर, तो ये पोर्शन भी रिड्यूस हो चुका है। फिर फ्यूल सेल्स हेडिंग लिखी है, तो फ्यूल सेल जो हेडिंग है वो यहाँ पे है, ये भी आपको नहीं पढ़नी। तो बैटरीज के बाद जितना भी पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये लास्ट हेडिंग में कोरोजन भी है 3.8 में, तो ये भी आपको नहीं पढ़नी है। तो हम आगे चलते हैं। अब कुछ इसके रिगार्डिंग जो इंटेक्स के क्वेश्चन थे, लास्ट थ्री रिचार्जिंग बैटरी सजेस्ट टू मटेरियल, ये तीनों क्वेश्चंस भी इसी से टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। और ऐसा कोई ऐसा जैसे कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जो आप टेक्स्ट में से हटाएंगे, है ना। सिर्फ 18 क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ के जाइए। फिर आप बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें से पहले एक हेडिंग होगी 4.4 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, अरनीस इक्वेशंस को इस बार बोर्ड के एग्जाम के लिए हटा दिया गया, और उसी के साइड में लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अरनीस एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट इक्वेशन, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है अरनीस का।
और इसके बाद ये आप ग्राफ भी देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, ये एक्टिवेशन एनर्जी भी लिखा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये क्वेश्चंस आपको इस पहले बोर्ड्स में काफी क्वेश्चंस आते थे अरेनीज इक्वेशन पे, न्यूमेरिकल्स आते थे, तो अब ये सब चीजें इस बार नहीं देखने को मिलेंगी। इसी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल 4.9 भी है, तो ये चीज भी नहीं करनी। तो काफी सही आपके लिए, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ सकते हो और लिमिटेड चीजें हैं। अगली हेडिंग है इसमें 4.5 में कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन पेज नंबर 116 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया आएगा, कोई इसमें मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट, जो इतनी बड़ी इक्वेशंस हैं इनमें से कुछ नहीं पूछने वाले। और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था 4.9 इंटेक्स का, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम आगे चलते हैं टेक्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ। तो टेक्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ आप लास्ट पेज में अपने एनसीईआरटी में जहां पे हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन 4.22 की बात करूं या 4.23, 4.24, ये तीनों क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से आप 4.25 को छोड़ देना, उसके बाद 4.26, 4.27, 4.28, 29, 30, ये सारे क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड है। तो दिस ऑल क्वेश्चन विल बी नॉट कमिंग दिस टाइम इन 2021 एग्जाम। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप दो क्वेश्चन मेजर देख पा रहे हैं, कैटालिसिस और इमल्शंस। तो पहले हम कैटालिसिस की तरफ आते हैं, हेडिंग होगी 5.2 कैटालिसिस, पेज नंबर 129 में यहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये कैटालिसिस 5.2 की हेडिंग, जो जितना ये कुछ भी नहीं आने वाला है इस बार एग्जाम में। फिर आप देख सकते हैं होमोजीनियस हाइड्रोजन कैटालिस, ये भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हाइड्रोजनियस कैटालिस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ भी इसकी एक्टिविटीज, फीचर्स, शेप, सिलेक्टिव जियोलाइट्स बाय कैटलिस्ट बाय जियोलाइट्स, तो पेज नंबर 132 भी पूरा आप कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस, तो एंजाइम कैटालिस भी आपको इस बार देखने को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एंजाइम कैटालिस के बाद हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस, ये सारा पोर्शन हटा दिया गया है, ये पूरे फिगर्स, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है कैटालिसिस इन इंडस्ट्रीज। और इसी के रिगार्डिंग तीन क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये तीनों इसी से टॉपिक से रिलेटेड है, तो इन पोर्शन को भी आप ना पढ़ें। फिर हम बात करते हैं कोलाइड्स, कोलाइड्स आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड से हर बार बोर्ड में एक एक नंबर का जनरली जो पैटर्न बदला गया है, तो उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्पर्जन सरफेस दिया हो, डिस्पर्जन मीडियम आपसे पूछ ले कि किस तरह का कोलाइड है ये, है ना। तो ये तो लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं और कौन से पोर्शन इसमें से हटाए गए। तो मिसल फॉर्मेशन बच रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बचता है क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन बचा हुआ है जो सरफेस केमिस्ट्री से, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन से पोर्शंस को रिड्यूस किया गया है। तो इसमें क्लास एक हेडिंग रह गई है इमल्शंस और उसके टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो इसी में एनसीईआरटी में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5.5 हेडिंग है इमल्शंस। तो इमल्शंस वाली जो हेडिंग है इसमें आपको ये चीजों को नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद बस और ये सारी चीजें आपके आई रही है एग्जाम्स में, आपको इनको देखना है। इससे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, जैसे एक्सरसाइज में आप देखिए 5.7 में कि कौन क्या रोल प्ले करते हैं हाइड्रोजनस कैटालिस, ये आपको नहीं देखना है। एंजाइम्स क्या होते हैं 13 क्वेश्चन, और 16th और 17th क्वेश्चन में आएंगे आप। इमल्शंस क्या है, कैसे इमल्शन को स्टेबलाइज किया जाता है। फिर 20, 21, 22 से सिलेक्टिव क्या होते हैं, जियोलाइट्स, एक्टिविटी, ये सिलेक्टिव, तो ये सारे क्वेश्चंस एंजाइम कैटालिस्ट के हैं, तो ये क्वेश्चंस को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो हम 6 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ, ये वाला पूरी चैप्टर ही नहीं आ रहा, तो ये तो आपको देखना ही नहीं। तो पी ब्लॉक में काफी बच्चों को कन्फ्यूजन था कैसे हैं, क्या 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 चीजें हट रही हैं, तो मैं एक एक चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले आप इसमें देखिए, हेडिंग लिखी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसके ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रक्चर ऑनली। तो जो इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो शायद आ सके, पर जो जो यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रही है, आप पेज नंबर 177 अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक हेडिंग डाल रखी है, तो वहां पे आप ये देखिए जो टेबल है 7.3, इसमें स्ट्रक्चर दे, तो ये कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद नीचे ये हेडिंग है साफ साफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड, तो ये वाली टेबल्स भी आपको नहीं पढ़नी है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर उसमें एक हेडिंग है इसमें पी ब्लॉक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। तो आप उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एलोट्रॉप्स, तो फॉस्फोरिक, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑनली लिखा है यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि क्या है
इसके फास्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ये वाला पेज 7.6 हेडिंग पेज नंबर 180 एनसीईआरटी, तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये कुछ भी नहीं पढ़ने की, दीज आर दी एलोट्रॉप्स ऑफ दी फास्फोरस। फिर अगली हेडिंग है फोस्फीन, तो फोस्फीन हेडिंग को भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो आप देखिए अपने सिलेबस में जो रिड्यूस हुआ है, जो सीबीएसई का है, उसमें सबसे पहली लाइन लिखी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन, तो इसमें फोस्फीन में सबसे पहली हेडिंग क्या है यहाँ पे, प्रिपरेशन, तो ये तो पढ़ना ही नहीं है। फिर उसके नीचे क्या है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज भी नहीं पढ़नी है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, अब इसमें अगला पोर्शन है फॉस्फोरस हैलाइड, तो ये देखिए आपका जो लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, और ब्रैकेट में लिखा है एलिमेंट्री आइडिया ओनली। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स पे अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो पहली हेडिंग है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसकी प्रिपरेशन कुछ नहीं पढ़ना है, फॉस्फोरस पेंटाग्लोराइड से भी कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, और एक एक हेडिंग और लिखी थी ऑक्सो एसिड्स ऑफ, किसके ऑक्सो एसिड्स, फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ने हैं। ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये बोर्ड से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। और इसके रिगार्डिंग ये वाले जो फिगर्स भी दिख रहे हैं, ये जो रिड्यूसिंग बिहेवियर का क्वेश्चन है, ये भी आपका यहाँ से हट जाता है। तो ग्रुप 15 में से बहुत चीजें हटाई गई हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चर्स को उन्होंने हटाया है, ऑक्साइड चाहे नाइट्रोजन की हो, फॉस्फोरस की हो, है ना। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप 16 में से बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसको इन्होंने हटाया है। तो आइए देखते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको डाई ऑक्सीजन के नीचे ओजोन, हाँ, इसके बाद आपको मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल, तो यहाँ पे हेडिंग है 7.7 एनसीईआरटी में, 7.7 हेडिंग है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं आ रहा है, है ना, और इसके ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूं बेसिकली ये जो फ्लो डायग्राम बनाया गया है पेज नंबर 195, इसके नीचे तक, इसके यहां से लेकर ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन पूरा, ये कुछ नहीं पढ़ना है, सही है, तो ये पोर्शन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पर इसके बाद जो लिखे हैं नीचे हेडिंग प्रॉपर्टीज, यहां से आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इंडस्ट्रियल, उस चीज को रिड्यूस किया, प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और बस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें से जो आप देख सकते हैं, उसमें एक हेडिंग लिखी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, इससे काफी क्वेश्चंस आते थे पहले बोर्ड्स में, पर इस बार ये टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। तो पेज नंबर आप आ जाएंगे 231 एनसीईआरटी में, और इसमें हेडिंग है 8.4, जहाँ पे लिखा है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसी में ही आप देख सकेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद नीचे चलेंगे तो इसके पूरे स्ट्रक्चर्स और पोटेशियम पर मैग्नेट, इससे रिएक्शंस आती थी, दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस आते थे, एक नंबर का भी क्वेश्चंस आए हैं इनमें से, कैसे इनकी बैलेंसिंग के, तो ये सारे क्वेश्चंस इस बार आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जनरली इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो हटाया है वो है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स। तो जो एक आपको अभी फिगर दिखेगा लैंथेनाइड्स का, उसी को ही आपको नहीं पढ़ना है, और लैंथेनाइड में सारी चीजें आएंगी। तो ये जो फिगर 8.7 है केमिकल रिएक्शन वाला, और कुछ इसमें इसी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे दो चार लाइनें लिखी हैं, तो वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स में बेसिकली ये जो आप टेबल 8 देख पा रहे हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है यहाँ पे एक्टिनॉइड्स के आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विद द लैंथेनॉइड्स। तो पहली हेडिंग अगर एक्टिनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, उसमें पहली है सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, तो ये टेबल हट गई है। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन, फिर आयनिक साइजेस, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये जितना भी मार्क कर रखा है मैंने, तो ये 8.64 में आप देख सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद दी लैंथेनॉइड। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आएंगे एक्टिनॉइड्स के, पर जो इसमें एंड लिखा ना, एंड कंपैरिजन विद दी एक्टिनॉइड्स लैंथेनॉइड सॉरी, तो ये पोर्शन आपका रिड्यूस कर चुका। तो वो बेसिकली मैंने रीड करा था, तो ये वाला पैराग्राफ है जिसमें आपको कंपैरिजन स्टडीज के बारे में मिलेगा, तो ये पोर्शन को आप ना पढ़िए। तो फिर
आगे बढ़ते हैं और डी और एफ ब्लॉक में बेसिकली इतने ही क्वेश्चंस को हटाया गया है। इससे कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, जैसे आप टेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं 8.14, यहाँ पे प्रिपरेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की 15, जहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन, फिर 8.16, फिर 8.20 जहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ एक्ट्रोनाइट विद द स्पेशल रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और लास्ट क्वेश्चन 8.29 जिसमें केमिस्ट्री है एक्ट्रोनाइट एलिमेंट्स की, फिर एक है 8.33 जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटीज के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली ये था कुछ डी ब्लॉक के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और पहली बुक का लास्ट चैप्टर रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले 9.4 हेडिंग मिलेगी, वहां पे आप देखिए आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म से भी काफी क्वेश्चन पहले मिल जाते थे बोर्ड्स में, पर अब इस बार कुछ भी नहीं आने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पूरा हटा दिया गया, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पूरा हटा दिया गया है। तो उसके बाद एनसीईआरटी में जितना भी आप ये देख पा रहे हैं हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके जो बीच में 9 एग्जांपल, 9.4 एग्जांपल है, एग्जांपल 9.5, 9.6, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आइसोमेरिज्म जो 9.4 से स्टार्ट हुई थी टिल यहाँ तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद बॉन्डिंग वाला ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और क्या क्या हटाया गया है। इसमें हटाया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन कॉलिगेटिव एनालिसिस। तो इसमें एक लास्ट सीएफटीपीबीटी के बाद एक लास्ट हेडिंग है, उसमें कुछ रेफरेंसेस हैं किसके रिगार्डिंग कि कहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है और इनके एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये वाली 9.7 हेडिंग होगी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके रंड, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बायोलॉजिकल, तो ये पोर्शंस भी आपको नहीं पढ़ना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसके कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चन भी हैं, जैसे 9.8 और 9.9 में आएंगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और फिर उसके स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल, इससे काफी परेशान रहते थे, ये चीजें भी हट चुकी हैं, है ना। 9.11 हो गया, 9.2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो और 9.27 जिसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रोल के बारे में था कि डिफरेंट फील्ड्स में, है ना। तो ये सारा क्वेश्चंस आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको नहीं पढ़ना। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की पहली मॉड्यूल पूरी होती है। अब हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है बेसिकली। तो इसमें हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स के बारे में। तो इसमें जैसे आपको जनरली जो 10.7 हेडिंग है जहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में पॉली हैलोजन कंपाउंड, तो यहाँ के इसी के ये जितना भी पोर्शन है डाई क्लोरो मिथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, आयोडोफॉर्म कार्बन, ये कुछ भी आपको सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बाद जितना भी पोर्शन बचता है हेलो एल्केन चैप्टर्स में, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं फिरॉन्स के बारे में, फिरॉन्स भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है फिरॉन, फिर लिखा है डीडीटी, ये भी नहीं कुछ पढ़ना है। और इसी के साथ कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, एक मिला था मुझे 10.13, तो ये फिरॉन्स, डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की तरफ। इसमें भी ऐसे सिर्फ एक ही हेडिंग है जहाँ पे 11.5 में लिखा हुआ सम कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स, उसमें भी किस चीज के स्पेशल रेफरेंस, उनकी यूजेस की बात कर रहा है ना। तो आप बेसिकली यूजेस वाली बातें कहीं यहाँ पे लिखी गई है किसकी, मिथेनॉल की और इथेनॉल की। तो बस इस चैप्टर में से ये दो टॉपिक्स और इनके यूजेस को बेसिकली रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन, ये तो पूरा एंटायर चैप्टर आ रहा है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया इसके लिए, और ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए आप इसको अच्छे से एक ही चीज को पढ़िए। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, उसके बाद आता है अमीन्स। तो अमीन चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस किया गया है, आप देख सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट को। तो आपको एक हेडिंग मिलेगी डाइजोनियम सॉल्ट, इसके ऊपर है पेज नंबर 404 में एक हेडिंग होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, इसके ऊपर सबसे लिखा है डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, इनके मेथड्स क्या हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये सारा पोर्शन आपका रिड्यूस हो चुका है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस हिसाब से लिखा है प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और इम्पोर्टेंस इनकी डाइजोनियम सॉल्ट की। तो ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट के बाद जो हेडिंग आती है एनसीईआरटी में अमीन्स वाली, ये आपको नहीं पढ़नी है। और इसके ऐसे कोई क्वेश्चंस तो नहीं मिले मुझे, और जो थोड़े डाइजोनियम सॉल्ट के थे वो पुराने चैप्टर से भी मिलते जुलते हैं, इसलिए उन चीजों को आप अच्छे से पढ़िए। आपका सिलेबस काफी रिड्यूस कर चुका है और आपको 2 महीने भी बचे हैं, आप काफी अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे स्कोर्स गेन कर सकते हैं।
तो अब लास्ट चैप्टर जो बचा है जिसमें से कुछ पोर्शन को हटाया गया है वो है बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में अगर आप हेडिंग देखेंगे डाइसेक्राइड हेडिंग है 14.1.3 करके है। तो डाइसेक्राइड्स में इस बार कुछ भी, पहले क्वेश्चंस आते थे माल्टोज के बारे में, सरकोज के बारे में, तो ये इस बार ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वाले हैं। तो उसके बाद लैक्टोज वगैरह सब, फिर पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च, ग्लूकोज, तो इन्हें सारा क्वेश्चन जितने फिगर देख पा रहे हैं, सेलुलोज, ये सारे क्वेश्चंस कुछ नहीं पढ़ना। फिर इसके नीचे एक हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये पोर्शन भी आपका नहीं आएगा क्योंकि ये लिखा है ना, साफ साफ लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोटीन्स आपको पढ़ने हैं, प्रोटीन सारे हैं आपके, है ना। तो इसमें विटामिन में कुछ कंफ्यूजन था और मैं आपको काफी बताऊंगा कि आपको उसमें से क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि विटामिन एक ऐसा टॉपिक है। उससे पहले मैं एंजाइम्स की बात करता हूँ। तो एंजाइम्स में देखिए आप, एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है, तो ये सब क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं विटामिन की बात कर रहा था। विटामिन की जो बेसिकली जो आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है या फंक्शन है वो हटाने को बोला है। कई बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये टेबल भी हम पढ़ के नहीं जाते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये टेबल पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड का जो सिलेबस आया है रिड्यूस वाला, उसमें उन्होंने, आप ये देखो ना सामने यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन्स क्लास। तो हम बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें विटामिन्स हेडिंग। तो विटामिन्स में बेसिकली यहाँ पे लिखा है सिलेबस में कि क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, सही है। तो क्लासिफिकेशन में तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, तो ये पोर्शन, ये इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और इसके फंक्शन, तो कई बच्चे ये भी समझ रहे थे कि ये जो इम्पोर्टेंट ये लिखा है डिजीज वाला, ये पोर्शन भी हम नहीं पढ़ के जाते हैं ये टेबल को, पर मेरे हिसाब से आपको ये टेबल पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का जो अभी पैटर्न बना है, एसरेशन रीजन हो चाहे एमसीक्यू हो वन वर्ड वाले, उसमें एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा विटामिन यूजफुल है कौन से डिजीज के लिए, है ना। तो इससे एक नंबर के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए आप इसको देख के जाइए। और उसके बाद तो दो चैप्टर बचते हैं एनसीईआरटी के, एक तो है पॉलीमर्स और एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये दोनों चैप्टर एंटायरली हटा दिए गए हैं बोर्ड्स के लिए। तो आपका एग्जाम 18 मई को होने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी रोज एक एक वीडियो केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, फर्स्ट चैप्टर से क्विक रिविजन हो चाहे लास्ट ईयर के बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन हो, मैं वो पूरी लाने की कोशिश करूंगा। और आप सबसे, आप सबको कुछ भी कोई क्वेरी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।